बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा परिवार था। वह परिवार निसंतान था, उसके औलाद नहीं थी। उन्होंने अपनी औलाद के लिए बहुत मन्नतें की, फिर जाकर कहीं भगवान ने उनकी सुनी, एक औलाद दे दी। इसी तरह उसको पाल पोस कर बड़ा किया और उसे एक काबिल इंसान बना दिया। उसकी शादी कर दी गई और कुछ अरसे तक तो वो माँ बाप के साथ रहे। फिर अचानक उसके पिता की तबीयत खराब हो गई और वो अब बीमार रहने लगा। तो बीबी ने अब उसको पास रखने से मना कर दिया। उसके बीबी ने उस पर ऐसा जादू कर दिया कि अब उसने उस घर को छोड़ने का इरादा कर लिया। उन्होंने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और चल दिए घर से। वो बेचारे बूढ़े माँ बाप उसके कदमों में गिर गिर कर माफी मांगते रहे, लेकिन उसने एक ना सुनी। माँ ने कहा, बेटा तेरा बाप बहुत बीमार है, ऐसे हालत में छोड़कर ना जा। बेटा हम घर के चौखट पर रह लेंगे, लेकिन हमें छोड़कर ना जा। लेकिन उसे जरा भी रहम ना आया और वो अपनी पत्नी के साथ उन्हें छोड़कर चला गया। लेकिन इससे भी बड़ा जुल्म उसने इन पर ये कर दिया कि ना जाने कब उसने उस मकान को बेच दिया। ये बात उसके माँ बाप को भी नहीं पता चली। कुछ दिनों बाद जब उस मकान का मालिक आया तो उसने उन्हें घर से बाहर कर दिया और जो कुछ उनका सामान था वो भी बाहर फेंक दिया। उसकी माँ ने बहुत विनती की कि उनके पति बीमार हैं, हमें बस इतने से दिन रुक जाने दो, जब तक इनकी तबीयत अच्छी हो जाए। लेकिन उसने एक ना सुनी और उन्हें सर्दी के मौसम में ही घर से बाहर निकाल दिया। उसके पति की अब इतनी तबीयत खराब हो गई कि वो अब चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने पति को बाहर लेकर कॉलोनी के बाहर बने एक चबूतरे पर जाकर बैठ गई। अब उनका वक्त उसी पेड़ के नीचे गुजरने लगा। अगर कभी पड़ोसियों को उन पर दया आ जाती तब तो एक दो रोटी डाल दिया करते थे, वरना भूखे ही रात गुजार लिया करते थे। कभी कभी पड़ोस के कुछ लोग उनकी इस लाचारता का मजाक भी उड़ाते थे। वह इधर उधर से पैसे मांगती थी और उसके लिए दवाई लाया करती थी। सर्दी ने तेजी पकड़ ली, अब बेचारी कहां तक उसकी देखभाल करती, क्योंकि उसकी तबीयत अब और ज्यादा खराब होने लगी। अब उसके पिता की आखिरी तमन्ना थी कि कैसे भी वो अपने बेटे से एक बार मिल ले, सिर्फ उसका चेहरा देख ले। वो अपनी बीवी से इस बात की जिद करता था तो वो उसकी खुशी के लिए वहां जाती जिस रास्ते से वो गया था और उसका घंटों तक इंतजार करती। लेकिन जब वह नहीं आता तो वापस आकर उसकी खुशी के लिए कहती कि मैं बोल आई हूं और वो आ रहा है, हमें अपने साथ ले जाएगा, तो उसको थोड़ी तसल्ली मिलती। इसी तरह अपने बेटे का चेहरा देखने की उम्मीद को लेकर वो इस दुनिया से चला गया। इस पर उसका बेटा ना आया। अब बेचारी बुढ़िया अकेली रह गई और अब तो वो बिल्कुल ही टूट गई, क्योंकि अब किसके सहारे वह जिंदगी काटे। वो बेचारी सुबह निकलती थी घर से और जिस रास्ते से उसका बेटा गया था उसी रास्ते पर नजरों को गड़ाए हुए बैठ जाती और एक टकटकी लगाए हुए अपने बेटे का इंतजार करती रहती थी। पड़ोस के किसी आदमी ने कहा कि आप अकेली हो, क्यों ना आप अपने घर वालों के यहाँ चली जाओ, अपने भाई वगैरह के पास चली जाओ। तो उसने कहा कि बेटा मैं अगर चली जाऊंगी तो मेरा बेटा कभी क्या पता यहाँ आ गया तो उसका ख्याल कौन रखेगा। मेरे बेटे को किसी ने कुछ तकलीफ पहुंचा दी तो मैं जब तक जिंदा रहूंगी
मैं मेरे बेटे का इंतजार करूंगी। इस बात को सुनके उस पड़ोसी की आंखों में आंसू आ गए और वह वहां से चला गया। मित्रों, ये स्टोरी सुनाने का ये मतलब है कि आजकल की दुनिया बहुत स्वार्थी हो गई है। माँ बाप से ज्यादा वो ऐशो आराम में यानी अपने एंजॉयमेंट में लगी रहती है। कृपया इस स्टोरी को सुने, पूरा सुने और इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए कहानी के आगे चलते हैं। इसी हाल में उसको 7 साल गुजर गए। जहां उसका लड़का रहता था वहीं उसके एक आदमी से दोस्ती हो गई और वह दोस्त उसके घर आने लगा। एक दिन उसकी नजर उसकी बीबी पर पड़ गई और उसने उसे पाने की ठान ली। अब वह उसकी बीबी के लिए आने लगा और धीरे धीरे उसने उसकी बीवी से बात करना भी शुरू कर दिया। यहां तक कि दोनों में प्यार हो गया। अब जब उसका पति कहीं जाता तो दोनों रंगरलियां मनाते थे। एक दिन दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की ठान ली। फिर जब वह रात को अपने काम से वापस घर आ रहा था तो उसका वो दोस्त और उसके साथ 5-6 गुंडों ने उसे जंगल में घेर लिया। तो उसने कहा कि तू तो मेरा दोस्त है और तू ये क्या कर रहा है? तो उसने कहा कि मैं तेरी बीवी से प्यार करता हूं और वो मुझसे। इस बात को सुनकर उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उसकी बीवी भी जो उसके साथ वहां छुपी बैठी थी बाहर आई और कहा कि सच है और आज तुझे हम अपने रास्ते से हटा देंगे। इतना कहकर उसने उन गुंडों को उसे मारने का हुक्म दे दिया। फिर सब गुंडे उस पर टूट पड़े और उसे मारना शुरू कर दिया कि अचानक पास में एक धुएं का सा गुब्बारा फटा तो सबकी निगाह उस पर चली गई और देखा कि एक घुड़सवार अपने हाथ में एक बर्छा लिए दौड़ा चला आ रहा है। तो कुछ तो डर के भाग गए और जिसने उससे लड़ने की सोची उसने उन्हें कत्ल कर दिया। उन गुंडों ने उसके बेटे की ऐसी हालत कर दी थी कि मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। जब वह घुड़सवार वापस जाने लगा तो उस लड़के ने उससे पूछा, भगवान के लिए इतना बता दो कि आप कौन हो? तो उसने कहा कि मैं वो दुआ हूं जो तेरे इतने जुल्म के बावजूद भी तेरी माँ तेरे लिए करती है और अपने माँ बाप को मरने के लिए छोड़कर जाने वाले तेरे हिफाजत के लिए आज भी दो बूढ़े हाथ भगवान के सामने उठते हैं। आज भी तेरी जिंदगी की खुशियों के लिए कोई दुआ करता है। जिस माँ बाप को तू छोड़कर आ गया वो आज भी तुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं। इतना कहकर वह गायब हो गया और वह अपने बीते हुए कल को याद करके रोने लगा। उसे अपने माँ बाप याद आने लगे। वह अपने किए पर बहुत पछताने लगा। अब उसे अपने माँ बाप याद आने लगे और रोता हुआ और चिल्लाता हुआ अपने घर की तरफ दौड़ा। दिल में यह ख्याल आ रहा था कि मैंने तो उस मकान को बेच दिया था, अब शायद होंगे जाने नहीं, लेकिन मैं उनको देखकर और उनको मनाकर ही मानूंगा, चाहे मुझे पूरा जहां ही क्यों ना देखना पड़ जाए। वो ऐसे सोचता हुआ और रोता हुआ दौड़ा चला जा रहा था। जब वह अपनी बस्ती में पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत, बिखरे बालों वाली, फटे और गंदे कपड़ों वाली औरत एक चबूतरे पर बैठी हुई थी और वो अपने हाथों को ऊपर उठाकर बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसने उसके हाल से उस औरत को नहीं पहचाना, लेकिन जब वो प्रार्थना में बार बार अपने लड़के का नाम ले रही थी तो वह उसे पहचान गया और उसने बड़े ही मीठे आवाज में कहा। वो औरत एकदम हड़बड़ा गई और जहां आवाज आई थी उधर की तरफ देखी तो उसका लड़का वहां खड़ा हुआ था। वो खुशी के मारे पागल हो गई।
उसका लड़का उससे लिपट गया और रोने लगा। माँ भी रोने लगी। दोनों एक दूसरे से लिपट लिपट कर रोने लगे। उनकी आवाज सुनकर मोहल्ले वाले जाग गए तो वो देखते हैं कि उस औरत का बेटा वहां आया है। बस्ती वाले उन्हें इस तरह रोता देखकर और उनकी मोहब्बत को देखकर उनके भी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसका लड़के ने पूछा, माँ पिताजी कहाँ हैं? तो वह चुप रही। उसने फिर पूछा, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बार बार पूछने से एक बस्ती वाला बोला, मर गया वो तेरा इंतजार करते करते। तूने भरी सर्दियों में उन्हें यह घर बेचकर बाहर निकलवा दिया। बीमार तो था ही कुछ बेचारा, सर्दी में मर गया, लेकिन उसने तेरा नाम लेना नहीं छोड़ा। मरते वक्त भी तुझसे मिलने की इच्छा जाहिर कर रहा था। बेचारा बहुत बुरी मौत मरा है। भगवान तेरे जैसी संतान जानवरों को भी ना दे। तूने अपने माँ बाप को कितना सताया है, फिर भी ये तेरे माँ बाप हमेशा तेरी कामयाबी की दुआ करते रहे। उस पड़ोसी की बात सुनकर वो अपने सिर को पीटने लगा और फिर रोने लगा। उसकी माँ ने उसे रोका, फिर उसने अपनी माँ को गले लगाया और रोने लगा। तो उसकी माँ ने कहा, बेटे ये दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मेरे दिल में तेरे लिए अभी भी उतनी ही मोहब्बत है और मेरे मुंह से तेरे लिए कभी बद्दुआ नहीं निकली। तो उसने कहा कि माँ तो मेरे लिए बद्दुआ कर देती, क्योंकि मेरे जैसे इंसान को तो बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए। माँ ने उसे समझाया, फिर उसने अपनी माँ को गोदी में उठाया, क्योंकि वह कमजोरी की वजह से चल नहीं पा रही थी। इस दृश्य को देखकर सभी पड़ोसी रोने लग गए। वो अपनी माँ को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला गया और फिर अपनी माँ को हमेशा खुश रखता, अपनी माँ से पहले खाना नहीं खाता था। तो भगवान ने उस पर दया की और वो उस वक्त का सबसे बड़ा धनी बन गया। फिर उसने बड़े बड़े वृद्धाश्रम खोले, जिनमें वो बुजुर्गों को बुलाता जिनके बच्चों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। ये उनको अपने आश्रम में रखता और उनके खूब मदद करता। दोस्तों ये इमोशनल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग इससे कुछ सीख सकें। दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।